बिजली बिल के नाम पर स्कैम करने वाले कुख्यात जामताड़ा गिरोह का दुर्ग जिला पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि स्मृति नगर पुलिस चौकी में पुष्पेंद्र गजेंद्र ने जुलाई माह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया कि आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा, आपने बिजली बिल जमा नहीं किया है, यदि बचना चाहते हो तो हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर बिजली विभाग के अधिकारी से बात कर लो। अधिकारी से बात करने पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराया गया जिसके बाद उनके खाते से 1,48,030 रुपए कट गए। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मीडिया को दी है। बिजली बिल के पेमेंट के नाम पे एक ऐप डाउनलोड कराना, फिर लिंक भेजना, उससे पेमेंट होने पे डेबिट कार्ड डिटेल्स लेके पूरा खाता खाली करने का एक मॉडस ऑपरेंडी था। 5 वर्षों से ये काम कर रहे थे, 3 लोग इनके साथ थे और बाकी ये एड एजेंसी, डेटा एंट्री एजेंसी और अकाउंटेंट्स को इसका यूज़ करते थे। फर्जी सिम के द्वारा ये बात करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, करीब 2.5 करोड़ से ऊपर की ठगी कर चुके थे। पुलिस द्वारा बिजली बिल में छत्तीसगढ़ में पहली कामयाबी है। पुलिस 1.5 साल से इनको ट्रैक कर रही थी और फाइनली इनको पकड़ने में सफल हुई। मैं जनता से भी आह्वान करूंगा कि कभी भी किसी अनवेरीफाइड लिंक पे क्लिक ना करें, कोई भी अनवेरीफाइड ऐप डाउनलोड ना करें और कभी भी कहीं भी पेमेंट जो है वो वेरीफाइड ऐप से ही करें।